भूपन भैया जैसा हो, भूपन भैया जैसा हो। अगर सामने से सामने काटिए जो मंदिर पर लोग ना लगा गर्म गार्डन पहुंच गए ना जामे लगे जामे देंगे भूपन भैया जैसा हो, भूपन भैया जैसा हो। अगर सामने से डोसा सामने काटिए जो मंदिर पर लोग ना लगा गर्म गार्डन पहुंच गए ना जामे लगे जामे देंगे लगा सब मोड़े लग जाओ आप भी बोल भूपेन भैया आपकी बात
अरे जसू या निकाल ले कहाँ से बताने की जरूरत नहीं, नाम तो सब जानते हैं हमारे श्री भूपेंद्र सिंह जी गुर्जर सिरोल वाले जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ रहे हैं और हमारे भूपेंद्र सिंह जी इस भागवत कथा में जो मुख्य भंडारा होगा उसमें जितनी भी शक्कर लगेगी वो अपनी तरफ से और आटा जितना लगेगा आटा और शक्कर ठीक है जी और सब्जी तो अपन बना ही लेंगे है ना। सिद्ध बाबा उनके ऊपर कृपा करें, हनुमान जी महाराज ठाकुर जी आइए। यही करेंगे अपने आप जस रहते ही भूपेंद्र भैया भूपेंद्र भैया चलो 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 गलत है गलत ना ना सज्जे भूपेंद्र भैया भूपेंद्र भैया भूपेंद्र भैया भूपेंद्र भैया संघर्ष करो भूपेंद्र भैया संघर्ष करो।
मंदिर में मेरा पूरी टोली से निवेदन है और आवेदन है, मैं आपके साथ और रहूँगा, निर्णायक जो काम रहेगा मैं आपके बीच में रहूँगा। मैं इस बार मैं आपसे बड़ा निवेदन आवेदन कर रहा हूँ, क्षेत्र में जहाँ अपने रिश्तेदार हूँ, दोस्त प्रेम है, सबसे एक अपील करना कि मेरे भाई की मदद करना, मेरे बेटा की मदद। ले जा भूपेंद्र भैया जिंदाबाद, सब बंजन में हर घर गाँव जा जाके चौपाल जाते हैं, सबकी झोली फैला के फिर मांगना कि भैया जी का घर नहीं बैठना, गाँव गाँव जाना, जहाँ अपने रिश्तेदारी दोस्त रहने सब पे एक तरफ झोली फैला दें, सभी से मेरी अपील और निवेदन है, पूरे नंगल आए होंगे। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद, भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। दो पत्ती को जानदार मैंने सुनाई पत्ती है क्या कह रहे हो, मैंने देखा है तो ना चलो करो।